गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किंचो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं एक बताऊँ कि मुझे बहुत खुशी मिली कल। मुझे आप पूछोगे सर किस चीज़ की खुशी मिली आपको, खुशी मिली कि आज के दो साल पहले एक र्यूमर उड़ा। र्यूमर ये उड़ा कि मेरा एक कमांडो है जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में है, शुभम आर्यन, उनके बारे में किसी ने गलत खबर जो है वो फैला दिया। और मेरे को भी बहुत सारे मैसेज आए, मुझे आए कि सर शुभम आर्यन नो मोर है ना, कुछ कुछ फोटो भेजे किसी ने ना। मैं बहुत दुखी हुआ उस न्यूज़ को लेकर, मैंने ज़्यादा व्यक्त नहीं किया इस चीज़ को हालांकि। और मेरे को बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर शुभम भैया का क्या हुआ है ना, वो नहीं रहे क्या। कई बच्चे बड़े दुखी हुए, कई बच्चे जो है वो रो रहे थे मैसेज करके कि सर कि अब देखो आपको तो बायोमेंटस का जो परिवार है ना वो बहुत बहुत ही क्लोज निट परिवार है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर पढ़े पढ़ के निकल गए और काम खत्म हो गया। नहीं, यहाँ पर इतना अटैचमेंट है बच्चों के बीच में, सिलेक्ट होने के बाद बच्चों के बीच अटैचमेंट काफ़ी बढ़ता है। यहाँ पर पूरा समझ लो कि एक प्रकार से एक बड़ा परिवार बन जाता है और वो परिवार हमेशा मेंटेन रहता है। जब तक आप छोड़कर नहीं जाओगे, परिवार का कोई सदस्य जो एक दूसरे को नहीं छोड़ता है। मैंने देखा है मुश्किल वक्त में कमांडो जो सिलेक्टेड कमांडो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि बायोमेंटस का परिवार कितना क्लोज निट और कितना जो है वो गुथा हुआ परिवार है। आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पढ़ने की हेल्प में हेल्प करते हैं, किसी तरह का डिप्रेसिंग थॉट हो उसमें हेल्प करते हैं ना, कोई तरह का रिलेशनशिप को लेकर इशू उसमें भी हेल्प करते हैं। तो बायोमेंटस परिवार एक जो है वो सबसे अद्भुत परिवार है। तो जब शुभम आर्यन की ऐसी न्यूज़ जो है वो यूट्यूब में वीडियो आना शुरू हो गए थे, कुछ जगह पे न्यूज़ आई थी, कुछ कुछ बच्चे व्हाट्सअप मुझे कर रहे थे, एक दो फोटो भी भेज रहे थे कैसा हो गया शुभम भैया नो मोर, शुभम आर्यन नो मोर, ठीक है, मन को बड़ा खराब लगा। लेकिन बताओ, मैं सच्चाई बताओ, मेरे हृदय ने एक सेकंड को ये बात नहीं मानी कि शुभम को कुछ हो सकता है। हालांकि ही इज़ बैटलिंग विथ ए डेंजरस डिजीज, का परेशान थे। अब मैं बीमारी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर यह है कि शुभम को कुछ हेल्थ का इशू था और जिसके चलते जो है वो शुभम जो है वो पहले भी एक आध बार एडमिट हो चुके थे, है ना। तो मन बड़ा ख़राब था अंदर से, लेकिन एक होता ना, एक आपके अंदर इंट्यूजन होता है कि आपको दिल से यकीन होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना बुरा मेरे बच्चे के साथ नहीं हो सकता। मतलब मेरा कमांडो जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ, मतलब मुझे अपने सारे बच्चों से बहुत प्रेम है और शुभम आर्यन उनमें से एक है जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ठीक है। तो जब शुभम आर्यन का ये न्यूज़ सुनी तो मैं बड़ा दुखी था। उस समय कोविड का समय चल रहा था तो ज़्यादा कुछ रिसोर्स थे नहीं। मैंने अपने ग्रुप में जो MBBS के कमांडोज थे वहाँ पे मैंने बोला कि पता लगाओ कि शुभम की क्या क्या वेयर अबाउट्स है। कई लोगों ने कहा सर मालूम नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है, ही नहीं कॉलेज है बहुत दिन से, ऐसा वैसा, वो न्यूज़ सही है सर, है ना। तो लेकिन तब भी हृदय के अंदर कभी यकीन नहीं था इस चीज़ को कि ऐसा हो सकता है। अभी जब कल मेरे को शुभम आर्यन को मैंने देखा, उसने फेसबुक पे पोस्ट डाला तो मैंने उससे उसका नंबर मांगा, बात किया मैंने उससे, उसका नंबर चेंज हो चुका था एक्चुअली ना, बात किया तो उसने बताया कि वो कुछ इलाज के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए वो मलेशिया गया हुआ था, वहाँ पर उसका इलाज हुआ और इसलिए वो अवेलेबल नहीं था। तो शायद किसी ने उसकी ऐसी न्यूज़ उड़ा दी और वो न्यूज़ वायरल भी हो गई वो न्यूज़। मतलब सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना भाई, सोशल मीडिया सही को गलत, गलत को सही बनाने में एक्सपर्ट है। मतलब एक बच्चा जो एक गंभीर बीमारी से लड़ रखे मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है वो कि डॉक्टर बनना चाहता है वो, कि वो ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ सके वो, उस बच्चे के बारे में आप नो मोर की न्यूज उड़ा देते हैं। मैंने अपनी मम्मी को बताई ये चीज़, तो मेरी मदर बोलती है कि नहीं वो तो ऐसी न्यूज उड़ने से तो उम्र बढ़ जाती है, भगवान ईश्वर करेगा 100 साल से ऊपर उम्र होगी, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा शुभम, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम गाय जो सिलेक्ट हुए बच्चे थे तब, तो जितने बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत एकदम से बोलते ना कि फिल्म स्टार टाइप दिखता है शुभम आर्यन। खैर, मेरा उसके प्रति प्रेम मैं सोच सकता हूँ कि मेरा बच्चा है इसलिए मैं उसको ऐसा बोल रहा हूँ, पर बहुत अच्छा लगा कल जब बात किया उससे, 5-10 मिनट मेरी बात हुई उससे, मेरे पूछा बेटा क्या था, ऐसी न्यूज़ किसे उड़ गई थी, बताया कि मेरे कज़िन ने शायद किसी को कहा होगा कि वो गंभीर था, तब कहा होगा कि शायद वो नहीं बचेगा, तो वो न्यूज़ बचेगा को उन्होंने कहा नहीं बचा, ऐसे ऐसे करके वो न्यूज़ उड़ती चली गई। और लेकिन मन को बहुत अच्छा लगा, ऐसा होता ना कि एक जो अनएक्सपेक्टेड खुशी होती वो खुशी मुझे मिली। खैर, कई बार क्या होता लाइफ में है ना, आप का दिल बेटा कई बार जो बातें कहते ना अंदर से, मन दिमाग कुछ भी कह रहा हो पर दिल कई बार आपके मन में एक विचार था नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, एक्चुअली में
दिल कई बार सही होता है, हालांकि आप बोलोगे दिल क्या होता है तो डॉक्टर आदमी हो, अरे दिल का मतलब डीप इनर कॉन्शियस ऑफ द ब्रेन, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलो एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ, चलो है ना, आज बढ़िया एक स्टोरी मिली मुझे, तो मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में काम आते हैं जिनको आप सोचते हो कि यार ये क्या करेगा, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में। कभी भी ऐसे जो लोग जिनको आपको लगता है कि ये गैर जरूरी है, याद रखना कोई भी इंसान बगैर मकसद के बगैर लक्ष्य के नहीं होता है। आपको भले ही समझ में ना आ रहा हो, गैर जरूरी कोई भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी पे मैं आता हूं, पहले एक अपडेट देता हूं। वो जो अपने यहां पे सेंटर में तार मार काटे थे, वो दो लड़के हैं, पकड़ा पुलिस ने, डांट लगाई, शायद एक आध थप्पड़ भी मारा हो, पूछा भैया क्यों, बोले गीतेन सर ने एक वीडियो बनाई थी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, तो हम को किसी ने इंस्टिगेट किया तो हम चले गए। मैं सोचा यार कि मैं मेरी बात कराई, मैंने उनसे बोला कि बेटा देखो ऐसा है, तुम इंस्टिगेट होके आ गए, तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तुम चोर बनना चाहते हो? बोले नहीं सब चोरी नहीं किया, मतलब फेंक दिया था निकाल के बाहर, काट के बाहर फेंक दिया हमको, सिर्फ नुकसान करना था आपको, आपको सबक सिखाना था। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तुमने मुझे सबक सिखा लिया, तुम्हें सच में मन में कैसा लग रहा है इसको सबक सिखाने के बाद? कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं। मैंने कहा देखो बेटा, मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगा, कोई तुम पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम अभी यंग लड़के हो, है ना, लेकिन किसी के बहकावे में आके इस तरह की हरकत करोगे तो सामने वाला आदमी तुम्हारे दिमाग से प्ले कर रहा है, वो इतना इनसिक्योर फील करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर वो रिएक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैंने कहा बेटा देखो, तुम किसी के भी बच्चे हो, कहीं पढ़ते हो, तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि तुम चोर हो। तुम्हें किसी बात का गुस्सा रहा होगा, तुमने उसको रिएक्ट कर दिया, लेकिन बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है। तुम्हें क्या संस्कार सिखा रहा है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे बच्चे कभी भी ऐसा ना बुरा बोलेंगे ना रिएक्ट करेंगे, मैंने उनके अंदर वो कल्चर इंसर्ट किया। कल्चरल वैल्यू का बड़ा सिग्निफिकेंस है कि क्या सिखाते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे तो भोले हैं ना, मिट्टी के घड़े से जैसा कर दोगे वैसा हो जाएंगे वो। आप उसी मिट्टी से आप राक्षस या रावण बना दो, उससे कि मिट्टी से रावण बनाया हमने, उसी से आप एक घड़ा बना दो, आप ठंडा पानी रहेगा, सबका मन तृप्त करेगा। तुम मिट्टी से बनना क्या चाहते हो? तुम वो पटाखे भर के फूटने वाला रावण बनना चाहते हो या तुम घड़ा बनना चाहते हो? तुम पे डिपेंड करता है। बड़ा गंदा लगता है कि लोग इंस्टिगेट होके मोटिवेट होके इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर छोड़ते हैं, माफ किया, क्षमा से बड़ा कोई चीज नहीं है। मैंने कहा कि जाके उनको बोलना कि आपने जो हमें सिखाया है ना, वो हमारी जिंदगी में बहुत दिक्कत हमें कर सकता है। हाँ, थैंक यू फॉर वॉट एवर यू डिड, क्योंकि मैंने उसके बाद अपनी बिल्डिंग में सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ मैंने बहुत पुख्ता कर लिया है। शायद पहले मैं चूक रहा था उस चीज़ों को लेके, तुमने अटेंशन दिलाया मेरा कि नहीं सर ये व्यवस्था भी रखो, बकायदा गन वाला गार्ड भी रखो वहां पे, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि शेर जो होता है, टाइगर जो होता है ना, वो कई बार अवॉइड करता है बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि उसे मालूम है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन दूंगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन किसी दिन जब चीजें आउटबस्ट होती है ना, तो याद रखना जो जितना शांत होता है ना वो उतना ही खतरनाक होता है। ठीक है, समझने वाले समझ गए, मैं इतना ही बोलूंगा कि चलो अब कहानी पे लौट के आते हैं। कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि एक आर्मी होती है, मतलब बड़ी फौज होती है, उस फौज को कहीं पर, मतलब उनको उस फौज ऊंच फौज एक इस राज्य होता है, एक स्टेट होता है, उसमें एक आर्मी होती है। अब क्या होता है कि उस आर्मी के फौज में तमाम लोग होते हैं, लेकिन अचानक से जो है बाहर दूसरे जगह की कोई फौज जो है वो हमला करने किले को चारों ओर से घेर लेती है। पहले के ज़माने में क्या था, 15 घोड़े थे, घोड़े लेके निकल के कल कहाँ जा रहे, कल युद्ध करने जा रहे हैं, 50-500 लोग रखे साथ में, बेचारे दौड़ रहे, गाजर मूली जैसा काट रहे लोग, देखो ना टीवी में दिखाते हैं, मतलब कुछ है नहीं, लगा मन कर रहा है, कल क्या मन कर रहा है, मतलब मन कर रहा है कि भोपाल पे कब्जा कर लें। कौन बोल रहा है ये? इंदौर वाला आदि बोला कि हम सोच रहे भोपाल पे कब्जा कर लें। क्यों?
अरे बस मन बोर हो रहे थे, सोचा कब जाए, हम युद्ध ही लड़ रहे, कोई टीवी था नहीं, है ना, सोशल मीडिया था नहीं, यूट्यूब था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं, है ना, पबजी भी नहीं था, तो असली में लड़ना पड़ता था। अभी तो पबजी पे लड़के मन खुश कर लेते हैं। तो पहले के लोगों को राजा महाराजाओं की हॉबी यही थी कि क्या करने जा रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, 10-15 घोड़े लेके, और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बस थोड़ा घूमते घूमते युद्ध कर लेते हैं। मतलब ऐसी ऐसी शोक थे लोगों को। तो आजू बाजू का एक राज्य जो है उस वो हमला करता है, उसकी बड़ी सी सेना चारों ओर आके जमा कराती किले के आसपास। अब ये जो किले के अंदर जो सेना होती है ये भी तैयारी कर लेती है अपनी पूरी, भैया अब तो लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। तो सैनिकों में एक सैनिक की भर्ती होती है, भाई तुम करोगे का, हाँ सब मैं भी करूंगा, तुम पहले क्या काम करते थे, कहले सब काम बताऊंगा तो आप मुझे अरेस्ट कर लोगे, कहले नहीं नहीं बताओ ना तुम काम क्या करते थे, कहले मैं बहुत उच्च कोटि का चोर हूँ। क्या हूँ मैं, उच्च कोटि का चोर हूँ, हाई स्टैंडर्ड का चोर हूँ, कि मुझे कोई पकड़ा नहीं पाता और मैं चोरी कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, युद्ध के बाद बात करेंगे, तुम्हारे पुराने हिसाब किताब देखेंगे, सेना का जनरल बोलता बोलता देखिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ जनरल साहब, आप तो बहुत ज्ञानी बलशाली आदमी है, मैं तो चोर आदमी हूँ, पर मैं इस युद्ध को रोक सकता हूँ 3 दिन में, आपको भी लड़ना नहीं पड़ेगा और वो लोग लौट जाएंगे। जनरल बोलता पागल है क्या, वो इतना सफर तय करके आए हैं, इतने सैनिक इकट्ठे कर लिए उन्होंने, कैसे लौट जाएंगे वो बगैर लड़े, लड़ना पड़ेगा उनसे, बहादुरी के साथ लड़ना पड़ेगा उनसे, हमारे हम अपने प्राण देने के लिए तैयार है। पहले के जमाने में कहता प्राण से शरबत हुआ करता था ना, शरबत जैसे कि मैगी मैगी इंस्टेंट नूडल, लगे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, लग प्राण देने जा रहे हैं, क्यों, लग लड़ने जा रहे हैं, मतलब प्राणों की कोई वैल्यू नहीं थी मतलब इंसान की। तो खैर छोड़ो, तो मुद्दा ये है कि बोलता था आपकी लड़ना नहीं पड़ेगा। जनरल बोलता कैसे, कहता सब 3 दिन का समय दो ना, मैं बोलता हूँ आप तैयारी कर ही रहो, वो लोग वहां सामने हैं ही। लगे ठीक है। पहले दिन चोर क्या करता है, चोर तो वो एक्सपर्ट टाइप का चोर था, है ना, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था चोरी में, तो वो उनके खेमे में घुसता सामने वाले सेना के, उनका कैंप लगे होते ना उन लोग के, जाता है और उनके जनरल के की तलवार चुरा लाता है, उनके जनरल की तलवार चुरा लाता है। अगले दिन सुबह सुबह इनके किले से 2 लोग बाहर निकलते हैं उस तलवार को बढ़िया सजा के, और ढोल धमाका लगे, डिंग 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 के होता है, वो ढोल बजते हैं, ढोल बजने लगे टाइप से ना, वो जाते हैं और किले साहब सम्मान समेत कि साहब ये हम लड़ने नहीं आए, आपकी तलवार वापस करने आए। उनका जनरल जो है वो सोचता मनी मन की मेरी तलवार चोरी हो गई, सुबह से मिल नहीं रही थी, ये लोग किले से तलवार लेके आ रहे, गजब बिज्जती है। बोलता है सब सिक्योरिटी ठीक करो, है ना, अभी लड़ाई की बात नहीं हो रही, अभी हम बात करेंगे इनसे, उसके बाद नई बात होगी तो फिर लड़ाई करेंगे, पर तलवार इन्होंने वापस की ढोल के साथ में, सम्मान के साथ में बकायदा तलवार पे तिलक वाला ला के वापस किया। ठीक है, अगले दिन चोर फिर घुसता उस खेमे में, अब की बार हेलमेट जो था ना युद्ध वाला हेलमेट, हेलमेट चुरा लाता है, कैसे चुरा लेता है, वो एक्सपर्ट है ना, मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था चोर, वो घुस सकता है कितनी सुरक्षा हो, घुस के हेलमेट लेता है। नेक्स्ट सुबह जब होती है फिर वही ढोल धमाका, 10-5 लोग डांस वांस करते करते बाहर निकलते, कहते आपका हेलमेट आपके सिर की शोभा वापस लुटा रहे हैं आपको हम। अब वो सामने वाला जनरल तो बड़ा अंदर अंदर तो गुस्सा आ रही होती, लेकिन वो तो बेचारे दूत है, उनको क्या करेगा मार के, निहत्ते आदमी। बोलता है कि अपने सेना से बोलता है क्या करते हो यार, वो मेरे से हेलमेट ले गया था के, तुम लोग कर क्या रहे थे, लग साहब और ध्यान रखेंगे आपकी, कोई रात भर सोएंगे नहीं, पलक भी नहीं झपकाएंगे। अब ले लेता है वापस। तीसरे दिन फिर चोर घुसता है उसके खेमे में, अब वो चाहे कितना ही हो लेकिन घुस जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है चोरी में घुस जाता है। अब की बार जाके वो जो ड्रेस होती है ना बड़ी वाली, जो ड्रेस पहनते राजा महाराजा लड़ने के पहले, वो ड्रेस पहना करते थे बकायदा, वो अपनी लोहे वोहे वाली ड्रेस पहले के जमाने में, वो ड्रेस चुरा लाता है। सुबह सुबह फिर इनके यहां से किले से निकलते हैं वो 4 से 10 लोग, है ना, वो ड्रेस को जब सजा के बकायदा, ये सब ढोल बजाता है, टिंग डिंग डिंग डिंग, ये आपको वापस कर रहे हैं, आपका ससम्मान वापस कर रहे हैं। अब वो जनरल बोलता है चलो रे पैकिंग करो, सब सामान पैक कर लो, वापस लौट रहे अपन अपना। तो सेना के दूसरे सैनिक बोलते जो होते ना, जो जो सेकंड लेवल लेवल पे कैप्टन वैप्टन है, अरे अपनी इतनी बड़ी सेना है, ये छोटा सा किला है, क्यों वापस लौटे, लड़ेंगे या कब्जा करेंगे इस पर। बोलता छोड़ रे कब्जे की बात, ये एक दिन ले गए तलवार, एक दिन ले गए मेरे सिर का मुकुट, एक दिन मेरी ड्रेस ले गए, कल मेरा सिर ले गए तो क्या कर लोगे तुम लोग, है ना। सोचो उनका एक आदमी हमारे पूरे खेमे में घुसता है और कुछ भी उठा के ले जाता है, अपन कुछ समझ पकड़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, मतलब अपन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है।
पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पे, रात को सो रहे होगा किसी के, सबका सिर लेगा निकाल के फिर वापस चलते, ये ठीक नहीं है राज्य, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और युद्ध खत्म हो जाता है, वापस लौट जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो भी हुनर है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि चोरी के हुनर की बात कर रहा हूं, कोई भी हुनर आपके पास है ना, कब काम आ जाए वो आपको पता नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति आपके सराउंडिंग में है ना, उन व्यक्तियों में भी कई सारी कैपेबिलिटी होती है, उनमें उनको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सी कैपेबिलिटी कब आपके काम आ जाए वो। ठीक है, मैं इसका बढ़िया एग्जांपल देता हूं, जो अपने टीम में काम करते हैं शिवम सर और प्रीति मैडम, ये दोनों लोगों को हम लोगों ने जब भोपाल में हम लोगों ने हायरिंग किया तो दोनों लोगों को हम लोगों ने हायर किया, ये ओवर क्वालिफाइड थे पर शायद काम नहीं होगा भोपाल में उतना, तो हमने दोनों को हायर किया था। किसके लिए? शिवम सर को हायर किया था हमने, जो एनिमेशन वाला काम है और थोड़ा डीटीपी का काम है उसके लिए हायर किया था। प्रीति मैडम को प्योरली डीटीपी के लिए हायर किया था कि भाई आपको टाइप करना है, पढ़ क्वेश्चन एड करना, उसके लिए हायर किया। जब देखा कि यार ये लोगों का काम बहुत अच्छा है और इनको नॉलेज है, मतलब इनको बोलते हैं ये कर दो और अच्छे से करके देते हैं, तो उस नॉलेज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। शिवम सर को बोला एक दिन कि भैया के फिजिक्स के डाउट क्लियर करो, बच्चों ने तारीफ की, बहुत बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेन किया, चलो कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, तैयारी करके के बढ़िया क्वेश्चन। ही ग्रेजुअली प्रमोटेड टू दी फैकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड देन बिकम ए जूनियर फैकल्टी। ठीक है, अब तो काफी सद समय हो गया उनको वहां पे, एंड ही इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर इन फिजिक्स, जिनको बच्चे जिनके एक्सप्लेनेशन को पसंद करते हैं, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करके बताते हैं। तो कहां से शुरू करें? तो आपको अपने लोगों में से पहचानना होगा कौन बेहतर व्यक्ति है। प्रीति मैडम ऐसी काम करते करते मैंने उनसे बोला कि ये कर दो, है ना, क्या ये क्वेश्चन बना पाओगी चार इस पे? उन्होंने बढ़िया बढ़िया काम किया, देखा कि भाई बहुत इंटरेस्ट है बायोलॉजी में उनको, उनको थोड़ा सा ग्रूम किया, उनके पास डिग्रियां भी काफ़ी सारी है, और देखा यार ये तो गलत जगह जॉब की जॉब कर रही है, उनको जूनियर फैकल्टी में प्रमोट किया उनको। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके पास भी कई बार हीरे होते हैं, उन हीरो को पहचानना होता है और सही जगह पर रखना होता है। यदि आप एक डायमंड को आपने, यदि अंगूठी में डायमंड नहीं लगाया आपने और डायमंड को आपने जो है वो बाहर जो है घर के बाहर एक दस्तरखान रखा, या हम क्या बोले दस्तरखान बोल क्या मतलब घर के बाहर कोई अलमारी जूते का रेक रखा, वहां पर चार डायमंड लगा दो लाइन से, आप लोग बोलेंगे नकली कांच लगा हुआ है क्योंकि सही जगह पर चीज को नहीं लगाया आपने। सोने की ज्वेलरी गले में पहन लो, लोग बोलेंगे भाई कीमती है। ठीक है, सोने का कुछ बना के जो है घर के बाहर ऐसी लगा दो कि चिड़िया आके बैठती हैं उसके ऊपर, लोग बोलेंगे पीतल का होगा या तो नकली टाइप का, ऐसी लगा दिया इसने। तो किस जगह पर क्या है उसकी भी तो कीमत है, सही आदमी को सही जगह पर रखना भी जरूरी है। ठीक है, लंबा हो गया आज का बहुत, चलिए हैव ए ग्रेट डे, पढ़िएगा मेहनत कीजिएगा बेटा, ऑल द बेस्ट।